उस सफ़ेद वाला उसका 70 रुपये का रेट बताया है। अच्छा लग रहा है, 50 रुपये का सूट है ये, 50 50 रुपये में ये इतने सस्ते हैं ना। हे गाइस, तो स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। आज चलते हैं मार्केट में घूमने, कम से कम आज तो दोपहर में हम जा रहे हैं, मतलब दिन है अभी तो 1 बज रहा है, तो अभी हम जा रहे हैं तो अभी मार्केट खुली मिल जाएगी। तो हाँ बेटा, क्या हुआ, आप भी बोलोगे कुछ, आप भी बोलोगे, बोल दो। वो तो हम जा रहे हैं मार्केट में घूमने और हम चीज़ खा के आएंगे, तो फिर चलो। गीता तो हो गई रेडी नहा धो के, मैं भी कपड़े चेंज कर लूँ, मैं नहा तो सुबह ही लिया था। क्या कह रहे हो बेटे, क्या कह रहे हो? हाँ, मार्केट घूमने जा रहे हैं हम। सुगीता तैयार हो गई है। हाँ, तुमने तो कहीं और बोला। सुगीता रेडी हो गई। गीता किधर हो, इधर आओ। सुगीता तो हो गई रेडी जाने के लिए और मैं रह गया हूँ और सोनाक्षी रह रही है, तो मैं खुद कपड़े पहन लेता हूँ, सोनाक्षी को गीता पहरा देंगे, फिर चलते हैं घूम के आते हैं। ये तो होगी तैयार, चलो फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे उधर पहुंच के। दिखाओ डांस मेले बाबू, डांस करके दिखा। क्या करेगी, डांस नहीं करेगी। कान में फूक मारते हंसती टुक टुको। अपनी जानी मानी मेट्रो स्टेशन, यहाँ तो हम रोज ही आ जाते हैं, तो लिखा लेता हूँ मैं, टोकन ले लेता हूँ। तो टोकन किधर गया? सौ रुपया टोकन ले लिए हमने, गीता वो मेरे पीछे है, 2 टोकन। चलो फिर चलते हैं उधर, यहाँ से एंट्री करा के निकल लेते हैं। सिक्योरिटी टाइट, सिक्योरिटी। मेट्रो आ गई, जल्दी आ जाओ। चलो तो जूते ही तो बात करनी है। क्यों हंस रही है? जाना कहाँ? क्यों? मार्केट। चल, हम आ गए अभी करोल बाग की मार्केट, आ जाओ चलते हैं, दिखाते हूँ आपको। इतने आना, यहाँ बताते हैं कि कोई छीन के भग जाएगा फ़ोन हाथ में से, वीडियो मत बना। तो मैं थोड़ी बहुत वीडियो बना पाऊँगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बताते हैं कोई चोरी कर लेगा, इसलिए मैं यहाँ वीडियो नहीं बना सकता। जो भी दिखा पाऊँगा आपको थोड़ी बहुत, आप देख लेना। तो मैं अभी फ़ोन जेब में रख लेता हूँ, नहीं तो पता चला कि फ़ोन भी जाएगी और फिर वीडियो तो आप लोग ना ही देख पाओगे, तो ऐसा हो सकता है, यहाँ कोई गारंटी नहीं है। सो ओके भाई, मैं फ़ोन रखता हूँ जेब में, मिलता हूँ आपसे एंड में। वैसे यहाँ पर डर तो है, मैंने जैसा आपको बताया था कि फ़ोन चोरी होने का डर है,
पर फिर भी अगर लेके जाएगा तो फ़ोन तो लेके जाएगा, कौन सा ज़िंदगी लेके जाएगा कोई भी। तो मैंने सोचा कि वीडियो बना ही लेता हूँ, दिखाई देता हूँ आप लोगों को सब कुछ कितना सस्ता सस्ता है माल यहाँ चोर बाज़ार में। आज हम सुबह सुबह आ गए, सुबह सुबह नहीं यार टाइम हो गया, चार बजने वाले होंगे, तीन चार। बहुत का सामान है और बहुत सस्ता सस्ता मिलता है सब कुछ। यहाँ बेड सीट पूछ लो, तो 50 रुपये। पचास रुपये और उधर भी उसके सर के पीछे में भी 50 रुपये लगा। हाँ जी, बहुत सस्ता सस्ता माल है यहाँ पे सब। मैं तो पहली बार आ रहा हूँ तो मैंने सोचा कि मैं तो देख लिया, मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ, आप भी देख लीजिए, सारा कुछ अवेलेबल है। तो गीता कह रही है जब आ ही गए हैं तो इतना सस्ता है तो कुछ ले ही लेते हैं, तो गीता देख रही है 50 रुपये वाला। देख लो फिर, थोड़ी थोड़ी चीज़ें नहीं है। अब ये बोलो बोलो, उसको छोड़ के जाओ, ये 10 के 2 10 के 2 बड़ा ले लो, सब 10 का एक, सब 10-10 के हैं, 5-5 के। अच्छा लग रहा है, 50 रुपये का सूट है ये, 50-50 रुपये में, ये इतने सस्ते हैं ना, और ये भी 50-50 रुपये में, इधर सारे 50-50, 40-40, 100-100 रुपये में। वो सफ़ेद वाला उसका 70 रुपये का रेट बताया है। सौ सौ रुपये में सारे टॉप, उठा के दिखाओ, सौ सौ रुपये में ये सब, 100-100 रुपये में। बहुत सस्ता। आंटी ना चल लेना, तुम्हारे लिए लाऊं। सो गाइस, हम लोग यहाँ पे आए थे देखने, पहली बार तो आए थे, अब आते आते यहाँ पे देखा तो ऐसा हुआ कि जो सुना था वो तो नहीं है मार्केट में बिल्कुल भी। हाँ ये ज़रूर है कि मैं और सोनाक्षी और गीता हम थक बहुत गए, ये हकीकत है, बाकी सब झूठ है। कोई भी चीज़ इतनी सस्ती नहीं है जितनी होनी चाहिए, और हाँ है सस्ती तो वो चीज़ सस्ती वो है जो 10 साल पुरानी है, वो चीज़ सस्ती है। बाकी जो अच्छी अच्छे कपड़े हैं या अच्छे कोई भी चीज़ है, जो चीज़ नई है वो चीज़ सस्ती नहीं है, जो चीज़ पुरानी पुरानी है वो सब सस्ती है। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर बहुत कुछ सस्ता मिलता है, मिलता है सस्ता, जो पुराना है वो सस्ता मिलता है, बाकी कुछ भी सस्ता नहीं मिलता। तो चलो मार्केट से निकलते हैं बाहर, हम 3-4 घंटे घूम लिया यहाँ पे, बहुत थक गए, अब बाहर चल के मिलते हैं। सोनाक्षी है, सोनाक्षी तो अभी हम मार्केट से आ गए बाहर, गीता वो आ रही पीछे, और कुछ खास नहीं है, बकवास। चलो मिलते हैं आपसे घर जाके। सो हे गाइस, हम लोग आ गए घर पे, देख रहे हो चेहरे पे पसीना पसीना, यहाँ देखिए बहुत गर्मी लग रही है, पूरे
टी शर्ट मेरे तमाम पसीने में भीग गई, सोनाक्षी भी सो गई, उसकी मम्मी भी थक गई, कह रहे मैं तो अब नहीं आ रही वीडियो में, कुछ भी नहीं है, अब मेरी वीडियो मत लेना। मैं ठीक है, मैं खुद ही बोल देता हूँ, बहुत गर्मी हो रही है, अब पूरा ऐसा भीग रहा है। चलो फिर, बहुत ज़्यादा थक गए, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।